गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो वीडियो आज इस में हम लोग लूपर सीखने वाले हैं लूपर जो है एक कार्डस्ट्री मूव है जो कि बनाया गया था तो बाय और उन्होंने जो है ये मूव फर्स्ट रिलीज किया था अपने डीवीडी आउटब्रेक में और उसके बाद काफी सारे चेंजेस आए थे तो ये जो है ये बेसिक वर्जन है लूपर का और साथ ही साथ मैं और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो है मैंने उनसे परमिशन लिया है वीडियो शूट करने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना सकता हूं तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं वो अग्री कर गए और यस ये है लूपर का पूरा ट्यूटोरियल सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू एक्सप्लेनेशन तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रॉ परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ तो लूपर देखने में जो है कुछ इस तरीके का लगता है ठीक है और ये हो गया हमारा क्लोजर ऑल राइट तो ये सीखने से पहले और एक चीज कि आप जो कार्ड यूज कर रहे हो वो ज्यादा स्लिपरी नहीं होने चाहिए या ज्यादा नए नहीं होने चाहिए थोड़ा सा पुराना कार्ड्स आप यूज करो इससे क्या होगा जब आप लूपर करोगे स्टार्टिंग में तो कार्ड्स गिरने का चांस जो है कम रहेगा और कार्ड्स जो है अच्छे से स्क्वायर स्क्वायरऑफ होकर रहेगा कार्ड्स यूज करोगे तो वो ज्यादा स्लिपरी होता है तो कार्ड्स गिरने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा ऊपर करने का फर्स्ट स्टेज हम लोग जैसे नॉर्मली जी ग्रिप लेते हैं इसमें भी जी ग्रिप है बट थोड़ा अलग पोजिशन में ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेक को होल्ड करना है कुछ इस तरीके से जहाँ पे मेरा पिंकी ही यहाँ पे है ये दो फिंगर यहाँ पे और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर थम यहाँ पे ठीक है अभी जो है इस ग्रिप को आपको ऐसे चेंज कर देना है कुछ इस तरीके से तो इससे क्या होगा डेक जो है ऐसे लंबा करके आपको पकड़ना है इसके बाद आपका जो राइट uh, हैंड right है वो क्या करेगा वो मिडिल और रिंग फिंगर से और थम से यहाँ पे ऐसे होल्ड करेगा और यहाँ से पहले जो है थम एक छोटा सा पैकेट ब्रेक करेगा और नीचे से ये जो फिंगर है वो एक छोटा सा पैकेट ब्रेक करके एक जी ग्रिप टाइप का बना लेगा ठीक है तो नॉर्मली हम लोग जी ग्रिप ऐसे बनाते थे इसमें हम लोग इस वे में बनाएंगे ठीक है तो अब ये जी ग्रिप बनाने के बाद आपको क्या करना है आपको जो ये लेफ्ट हैंड वाला पैकेट है उसको ग्रिप करना है यूजिंग योर पिंकी रिंग और मिडिल फिंगर ठीक है कुछ इस तरीके से ये ग्रिप जब आप कर लोगे तब जब आसानी से अपना इंडेक्स फिंगर और थम को छोड़ सकते हो और जो ये पैकेट है ये आराम से यहाँ पे ग्रिप करके रहेगा वन सेकेंड आप इस पोजिशन में हो आपको जो लेफ्ट हैंड वाला पैकेट है उसको कुछ इस तरीके से ग्रिप करना है और ये जो बीच का पैकेट है उसको आपको कुछ इस तरीके से इंडेक्स फिंगर की मदद से और राइट right हैंड के मदद से इस तरीके से इसको रेस्ट करना है इस पैकेट के ऊपर ठीक है कुछ इस तरीके से ये रेस्ट करेगा तो ये वाला जो पैकेट है बीच का पैकेट अब आप क्या करोगे आपका जो ये दो फिंगर है राइट हैंड का मिडिल और रिंग फिंगर उससे आपको ऐसे फ्लिप करके इस हाथ के ऊपर इस तरीके से रखना है ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड के नीचे का पोजिशन बता दू तो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो इस तरीके से मुड़ा हुआ है ठीक है और इसके ऊपर जो है ये पैकेट कुछ इस तरीके से रेस्ट कर रहा है और थम जो है वो इस पैकेट के नीचे नहीं है पैकेट के ऊपर है और ये काइंड kind ऑफ of एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अगर मैं थम से सपोर्ट ना दूं तो ये पैकेट जो है गिर जाएगा तो अभी आपको क्या करना है आपको जो है आप इस पोजीशन में हो अभी आपको अपना जो इंडेक्स फिंगर है उसके मदद से इस पैकेट को फ्लिप करना है ऑल्सो यूजिंग द थम ठीक है तो थम के इस वाले एरिया पे इस पैकेट को आपको इंडेक्स फिंगर से पुश करके कुछ इस तरीके से ये राइट right हैंड वाले पैकेट के ऊपर रखना है ठीक है अब रखने के बाद आपको दोबारा से इसको फ्लिप करके अपने थम के मदद से जो लेफ्ट थम है उसके मदद से फ्लिप करके ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर को जो इस तरीके से रखना है ऑल दो और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मेरा जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है वो भी इस तरीके से मुड़ा हुआ है और जब भी आप लूपर करोगे आपके दोनों हाथ का इंडेक्स फिंगर ऐसे ही मुड़ा होगा तो वन सेकेंड मैं आपको समझा देता हूँ ये मैंने यहाँ पे जी ग्रिप में ब्रेक किया ये पैकेट को लेफ्ट पैकेट को ये तीनों फिंगर ने ऐसे ग्रिप कर लिया मैं जो है इस पैकेट को ऐसे उठाऊंगा इसके ऊपर ऐसे रेस्ट करूंगा इसको मैंने ऐसे टर्न मैं इसके ऊपर कर ठीक है अभी क्या करना है आपको जो राइट हैंड वाला इंडेक्स फिंगर है वो अभी इस पैकेट को कुछ इस तरीके से पुश करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा ठीक है कुछ इस तरीके से और लिफ्ट करने के बाद आपको दोबारा से इसको जो है ये वाला जो पैकेट है इसके इस वाले एरिया पे जो किंग का हार्ट है जहाँ पे वहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है अब ड्रॉप करने के बाद आप नोटिस करोगे आप अगर थम से इसको पुश करोगे कुछ इस तरीके से तो आप जो दोबारा उस पोजिशन में आ जाते हो और फिर जो आप दोबारा से इसको ऐसे फ़्लिप करके यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फिंगर के ऊपर राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर और फिर उसको ऐसे फ़्लिप करके आप दोबारा से इसको कंटिन्यू एज एन एज अ लूप आप परफॉर्म कर सकते हो ठीक है तो यही वाला जो मूव है जब आप ऐसे करोगे तो ये काइंड kind ऑफ of एक लूप टाइप का बन जाएगा और इसी वजह से जो इस मूव का नाम है लूपर ठीक है तो यही चीज आपको रिपीट करना है और इसको अभी क्लोज करने के लिए आप क्या करना होगा आप जब क्लोज करोगे जो तो पैकेट है क्लोज करने से पहले आपको राइट right हैंड में लेना है कुछ इस तरीके से हाथ है वो आगे की तरफ आ जाएगा सीधा हो जाएगा और फिर आप क्या करना है आपको इसको इस तरीके से फ्लिप करना है अब इसके बाद जो थम है वो क्या करेगा वो इस पैकेट को पिंच कर लेगा थम और इंडेक्स फिंगर ठीक है और पिंच करने के बाद आपको जो है ये वाला जो हाथ है हमारा राइट हैंड वो क्या करेगा इंडेक्स फिंगर अभी इस पैकेट को छोड़ देगा और जो राइट हैंड का थम का ये वाला पार्ट है और लेफ्ट थम है वो इस पैकेट को कुछ इस तरीके से ग्रिप कर लेगा और फिर आप क्या करना है आपको जो अपना राइट हैंड का रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर की मदद से इस पैकेट को ऐसे क्लिप करना और फिर इसको ऐसे फ्लिप करके यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे क्लोज कर देना ठीक है थीके? तो वन मोर टाइम आपने लूपर किया और फिर क्लोज करते टाइम आपको इस तरीके से पहले इसको पिंच करना है ये जो थम का ये वाला मसल जब ये वाला पार्ट को कांटेक्ट करेगा आपको इंडेक्स फिंगर को छोड़ देना है और फिर इसको ऐसे नीचे से जो रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर इस पैकेट को ऐसे पिंच कर लेगा और फिर इसको आपको फ्लिप करना और फिर इससे ऐसे क्लोज कर देना ठीक है तो यही पूरा चीज़ जब आप फास्ट करोगे देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा ठीक है लूपर करते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो है फ्लो में होना चाहिए अगर आप ऐसे करके रख रहे हो फिर आप रुक जा रहे हो फिर आप यहाँ पे करके रुक जा रहे हो ऐसा नहीं है ये जो एक टोटल फ्लो में चलेगा ये मूव ठीक है और इसीलिए देखने में ज्यादा अच्छा लगता है और एक चीज आपको नोटिस करना आप जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ज्यादा मूवमेंट मत करो जितना मूवमेंट होगा वो यही कार्ड करेगा ठीक है तो मेक श्योर sure कि आप जो ऐसे ऐसे करके पूरा हाथ को घुमा ना दो इससे गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा और जो फ्लो वो खराब हो जाएगा और एक चीज़ जो है कार्ड्स जो एक साथ काइंड ऑफ बाइंड होना चाहिए ठीक है मतलब जब आप परफॉर्म करोगे तो ऐसा नहीं आप इसको ऐसे छोड़ दिए फिर आगे चले गए फिर आप पीछे आके ऐसे नहीं करना कार्ड जो है एक, एक एरिया के अंदर जो है रहेगा थी? आप देख सकते हो दोनों पैकेट के साथ जो है कॉन्टेक्ट में है और ये लूपर जो है देखने में काफी अच्छा लगता है इसमें ठीक है तो अभी वीडियो एंड करने से पहले मैं एक स्लो मोशन में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखने में कैसा लगता है लूपर तो चलिए अभी वो चेक कर लेते हैं तो यही था लूपर अगेन मैं कहना चाहूंगा पूरा ये जो मूव है इसका क्रेडिट जाता है लादुस तोबाट को जो कि काफी अमेजिंग कार्डिस्ट है ठीक है और उन्होंने जो है ये लूपर मूव को क्रिएट किया था और साथ ही साथ इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करो जैसा कि मैंने कहा नए कार्ड्स मत यूज़ करना उसमें गिनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा बट आप जब सीख जाओ उसके बाद आप नए कार्ड्स आसानी से परफॉर्म कर सकते हो बट सीखते टाइम जो आपको नए कार्ड्स यूज नहीं करना है इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग